एक नदी के किनारे विशाल वृक्ष था। इसकी शाखाओं पर अनेक पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। वृक्ष की घनी शाखाएं उन्हें वर्षा की बूंदों व सूरज की धूप से सुरक्षित रखती थीं। एक दिन आकाश में बादल छा गए व देखते ही देखते जोरों से वर्षा होने लगी। पक्षी घोंसलों में जा छिपे। पेड़ के आसपास खेल रहे कुछ बंदर पानी से भीग गए और पेड़ के नीचे बैठे सब ठंड से कांपने लगे। उन्हें देखकर एक पक्षी बोला, प्यारे भाइयों, अगर तुमने पहले ही हमारी तरह कोई घर बना लिया होता तो तुम्हें सर्दी में इस तरह ठिठुरना न पड़ता। हालांकि हम छोटे हैं पर फिर भी अपनी चोंच से घोंसले के लिए तिनके बटोरते हैं। आगे वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें। तुम्हें तो भगवान ने दो दो हाथ पैर दिए हैं, तुम तो आराम से अपना घर बना सकते हो। यह सर्दी गर्मी व धूप से तुम्हारी रक्षा करता। बंदरों को पक्षी की यह सलाह पसंद नहीं आई। वे चिढ़ गए। उन्हें लगा कि पक्षी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वह यह सोचकर क्रोधित होने लगे कि ये नन्हे जीव हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, ये हमें सबक सिखाते हैं क्योंकि इनके पास अपना घर है। उनमें से एक बोला, बारिश रुकने दो, हम तुम्हें बताएंगे कि हम अपना घर कैसे बनाते हैं। जैसे ही बारिश रुकी, बंदर पेड़ पर चढ़े व सभी पक्षियों के घोंसले नष्ट कर दिए। उन्होंने उनके अंडे फोड़ दिए, नन्हे बच्चों को पेड़ से ढकेल दिया। बेचारे पक्षी बंदरों का ऐसा बर्ताव देखकर दंग रह गए। वे यहां वहां उड़ने लगे। उन्हें पछतावा व एहसास हुआ कि मूर्ख बंदरों को सलाह नहीं देनी चाहिए थी। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब तक मांगी या पूछी न जाए, कोई सलाह मत दो।